अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं भी ठीक हूँ अल्लाह ताला से फजल करम से, आप ही ठीक होंगे। इस दुआ के साथ आपको जो है मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ। जो है इट्टा मैंने चवाया सी ना, वो मैं सारा जो है दो दिन में लगा हूँ इन्हों खड़ा किया है, इन्हों खड़ा किया है। जो ये जो है ना, ये भी सिल खुट गए ने। वो तो कहते बाबा तेन पूरे दे दिते ने, कचरा वचरा थोड़ा जा बचा है, ये भी मैं उन्होंने दिखा दिता है। मैं के 20 सिल जो है ने इस रेड़ों के बीच खुट गए ने। बाकी जरा उधर मैं 2000 इधर लवाई सी तो ये 10 सिल खुट गए ने। ये देखो ये जो रद्दा है ये पूरा नहीं होया, ये चट्टा ये इसमें जो है 10 सिल खुट गए ने। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं इस इट्टा बना लिया, चलो जो हौली हौली फिर मैं थोड़ी थोड़ी मेरे प्यारे बहन भाइयों सपोर्ट कर सो। मैं जो है ये वाशरूम वास्ते जो है सिलां ये बनवा लिया, इकट्ठा कर लिया ने। तो फिर हौली हौली मैं जो है दरवाजे भी ले लूँगा, तो फिर मिस्त्री भी मैं बिठा दूँगा, तो रेत भी मंगवा लूँगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, थोड़ी थोड़ी मेरी रल के तुम सपोर्ट कर सो। तो मैं ये वाशरूम जो है ये मैं बनवा लूँगा फिर, क्योंकि इसके बगैर मेरा नहीं गुजारा होता सी। क्योंकि बहर हैगा इलाका सारा खुला खुला इलाका है, और ना कोई किथे कोई टिब्बी है, ना कोई चटरड़ा इलाका है, ते जंगली इलाका है। जो है मर्द दा चलो बाहर चला जाता है, ये औरतों वास्ते जो है ना बड़ा मुश्किल होता सी। मैंने सोचा ये जो है जिवें तिवें मैं वाशरूम बनवा लवा। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जो है मैं ये लगा पिया हूँ, मैं हौली हौली जो है बनांदा पिया हूँ। तो ये मेरी एक मम्मी जो है, मम्मी जो मैं इनू गर्मी लग गई सी, अज इनू मैं दवाया है, इनू भी दवाया, एदा साथी भी ले आया हूँ, एक होर भी ले आया हूँ। एक कल्ली बाक दी सी, तो मैं क्या चलो जो है ना दो हो जासन। तो अल्लाह दिती तो उन्होंने मैंने चरक हैगी, पट्ठे बहुत खांदी है। ते ये भी माशाल्लाह नस्ल वाली हैगी, ये भी सोनी है, वो भी सोनी हैगी। चलो दो ही हौली हौली इन्हों पाले रखांगे। चलो तो एक दा बाक दी सी, ये मैं इस वास्ते लई है, चलो भई ये दो जो है ना पाल जाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी है ना, चलो ओदे वास्ते कोई ये बन जाएगी, बकरियां बन जाएंगियां, तो उन ओदे वास्ते कोई चलो डाज बना लवेंगे, तो जहेज कुछ बना लवेंगे। क्योंकि जदों ये वड्डा हो जाएंगे ना बकरियां, ये 50-50 हज़ार दी एक विक जाती इत्थे। चलो इनू ये मावां बेटियां हैगे ने, पट्ठे पाई रखसन, ते मैं कुछ इट्टा भी मंगवा लिया। तो थोड़े जे मैं ना वो पैसे जो बना के थोड़े जे ना खर्चे मैं एक निकी जी एक ले ली भी ले ली। चलो ये दो हो जासन। तो अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, अल्लाह ताला जाने मदीने वाला ये चलो पलदा रह जासन। बेटी भी हैगी, बेगम साहब है, चलो ये पट्ठे पाते रखसन। मैं तो मजदूरी जाना, तो चलो भी एक कल ही सी, चलो साडा कुछ बन जा सी, अगे लेला एक चलिया गया सी, फिर एक कली सी। तो कली ये जरा ना बाक दी सी, मेरी बेगम कहन लगी एक होर लिया। मैं जाके माल वाले नु किया कोई मेनू नस्ल वाली दे दो ले ली, तो मैं एक ले ली लेंदा हूँ। चलो मेरी चलो दो हो जासन। मैं सुबह तक गया हूँ तो माल वाले के नु ले आया हूँ, वो कहते ने बाबा हैगी भी चरक, तो हैगी भी बहुत होशियार, ते हैगी भी नस्ल वाली, जदों जदों बकरी बनेगी। ये मैं ये ले आया हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भी, बस असा भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, तुसा भी ठीक सो। अज दी तक कोई दवी बड़ा देवी दी कहंदे पिया जर है तहसील हम शुक्र हम तो चवा कि दिशें, चलो वह भी साढ़े भेणी भी सा धी आई साढ़े पुत्र भी जेर भी उन्होंने साथ नाल सिला भी चवा कि उन्होंने मेहरबानी उन्होंने सब कुछ दिते चाह, चलो अस इटा चवा कि दें शुक्र अलहमदुल्ला। चलो असा डाठे मजबूर अस वाशरूम किने, मेरी बेटी भी है, माए हाँ मेरा बेटा भी आ वन असा के, चलो
असा साडी सीटा सकु कोई थोड़ी की थी हुको अल्लाह से हज करवे सी अल्लाह पाक को बड़ी जिंदगी देसी असा चलो सिला भी चवा रखे समझो ईटा भी चवा किते से चलो जर है दा असा मोनी भी निकी जी घेन किते से चलो मैं ए मेरी बेटिया के अबू वन में हेक के मैं को घेन दे मैं पले सा असा के चलो हेक ता खेता चो घा बड़ा ने चलो बी दीवी भड़ई रख सु चलो पाली रख सु ए बेटी ए चलो इंदा कोई भी जहेज बढ़ वैसी चलो एक आज 2 साल ता चलो इना को पले सु साल 2 साल वड्या थी वेसन पठा बाण वेसन चलो असा के चलो इंदा को जहेज बढ़ वैसी असा के चलो दे विद साडी को सकरे भी कराहे लायक भी कराहे शेर भी लाजमान भेणी भयो शेरी कराहे सपोर्ट भी कराहे साडी विडो को बहुत गर्मी इतनी है जो इतनी गर्मी है जो डाढ़ी इतना जर है तो मजबूरी चलो ओ अल्लाह का शुक्र है भेणी भाई राल दे ओ भी सारी चलो मजबूरी दूर थी वैसी सारी सवारी थी भी बहु परेशानी इतनी गर्मी होती है जो मेरा घर वाला वेंदे असा बर्फ ही नहीं सहन सकते सारे को सवारी होवे भाई दे असा बर्फ दे दूर वजना पौधे गर्मी डाढ़ी है असा बर्फ गिरने से मुल आधे साइकिल में साइकिल से किए वजा उन रोक दिते उन्हें कि भाई बाहरों ना निकलो बहुत गर्मी है तेको गर्मी लग वे तू बुढ़ा बंदा है असा यो नलके दा तो यो घड़े दा तत्ता पानी पीने है बर्फ ही नहीं से गिन सकते ए मजबूरी भी है साडे भेणी भाई राल ते सार भी थोली थोली भी करे सो चलो ओ दिक्को मजबूरी दूर थी गई है चलो साडी हल्की पलकी असा को ज्यादा मजबूरी है सवारी थी असा ये सवारी चलो घेन घिनो ये बंदा बाजार ही वेंदे चलो कई चीज बस घेन आंदे कोई चलो बर्फ ही घेन गिनदे सौदे भी हो गर्मियां भूखे घी जीने साइकिल जो थी वो दूजे त्रीजे भी वेंदे टिब्बी दे चाड़ चाड़ दे थक वेंदे इतनी गर्मी होती है वेंदा कह नहीं करे हम सब्जी वाले बाहरों आ गए सब्जी टिंडे भी घेन गिदे से बसल भी घेन गिदे से टमाटर इतू घेन गिदे से असा के अज तो चलो गुजारा है कर घिनू चल मेरे प्यारे बहन भाइयों ये जो है बेगम मेरी जो है ये कहती है जो ये कहती है जो मेरी मोनी को ने सी चलो एक मोनी भी ले दीती थोड़ी सपोर्ट नाल असी ये बेगम मेरी खुश हैगी बहुत जो कहती है जो भाई थोड़ी सपोर्ट नाल असी इटा भी ले लिया ने तो एक असी होर लेली भी ले लीए तो बेगम साहबा हूँ बहुत खुश हैगी अगर भी तुसी मेरी रल के थोड़ी थोड़ी सारे भेण भाइयों रल के थोड़ी थोड़ी मेरी मदद कर सो तो असी जो है सब कुछ जरा मजबूर हैं असी थोड़े थोड़े असी मजबूर हाँ अपना पूरा कर लेसू तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे गर्मी बहुत होंगी है 40-45 सेंटीग्रेड की आज गर्मी थी तो इतने आ जाता सी सब्जी वाला अज आया चिर के असी ये भी ले लेने ये इसको टिंडे 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 भी ले लिए ने वसल भी इतने ले फिरता सी वो भी ले है ना टिंडे ये असी पहली दफा ये लिए ने ये उत्थे दुकाना ते नहीं मिलते ना शहर जाओ तो उत्थे मिल जाते ने तो फेरी वाला उत्थों ले फिरता सी ते बेगम साहबा ने कहा जो टिंडे ले बताए देंदा बड़े महंगे सी 100 रुपया किलो देंदा सी मैं के चलो आपा ले लेने असी ये टिंडे पहली दफा बनांदे पे हैं ते पकावांगे तो मेरे प्यारे बहन भाइयों तुसी असी जो है ना मैं तो मजदूरी बड़ी औखी करके ते घर दा सरकट बड़ा औखा चला लेंदा सी तो ये तुहाडी सपोर्ट नाल असी ये टिंडे भी असी अज ले बैठे हैं खांदे पे हैं ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਤਰੀਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੀ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਲ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸੋ ਤੋ ਮੈਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਤੋ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਸਨ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਮੰਗੂੰਗਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਸ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ 40-50 ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਨੂੰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੋ ਜਾਣੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੋ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।